तेईस लाख की स्मैक के साथ दो सप्लायर गिरफ्तार। राजस्थान के वाराणसी स्मैक लाकर शिवपुरी जिले में कर रहे थे सप्लाई। शिवपुरी पुलिस को अवैध मादक पदार्थ स्मैक के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। करेरा थाना पुलिस की टीम ने दो स्मैक सप्लायरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 115 ग्राम स्मैक, एक इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा, एक मोटरसाइकिल, कुल 23,02,000 रुपये का माल जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने एडिशनल SP संजीव मूले, खरेरा SDOP शिवनारायण मुखाती की मौजूदगी में पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी देते हुए बताया कि करेरा थाना पुलिस ने गणेश मंदिर मऊवर नदी किनारे मोटरसाइकिलें स्मैक बेचने के लिए आ रहे दो लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 115 ग्राम स्मैक, इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा और मोटरसाइकिल जब्त की। वहीं पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए स्मैक तस्करों ने अपना नाम रविंद्र उर्फ दाऊ रावत पुत्र मादादीन रावत, उम्र 23 साल, निवास ग्राम रामगढ़ा एवं दूसरे का नाम पूछा तो उसने अपना नाम जय सिंह उर्फ पतई रावत पुत्र यशपाल रावत, उम्र 25 वर्ष, रामगढ़ा थाना करेर जिले शिवपुरी का होना बताया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी राजस्थान के वाराणसी स्मैक लाकर शिवपुरी जिले में खपा रहे थे। स्मैक सप्लायरों को पकड़ने वाली टीम को पुलिस महानिरीक्षक ने 30,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है कि करेरा की टीम द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई स्मैक के विरुद्ध करी गई है। कुल 115 ग्राम स्मैक इन्होंने पकड़ी है जिसका बाजार मूल्य लगभग 23 लाख रुपये है। DI साहब, SDOP साहब, इनकी टीम को लंबे टाइम से इनपुट मिल रहा था कि दो स्थानीय तस्कर जिनके नाम रविंद्र रावत पुत्र मातादीन रावत उम्र 23 साल तथा दूसरा जय सिंह रावत पुत्र यशपाल रावत उम्र 25 वर्ष, ये रामगढ़ा थाना करेरा के ही रहने वाले हैं और इनकी शौहरत ये थी, मुखबिर सूचना भी थी कि ये लोग पास के जिलों से खासतौर पर 12 से स्मैक लेके आते हैं और बाद में छोटे छोटे पार्ट्स में हमारे जिले में सप्लाई करते हैं। तो हमारी जो टीम थी उसने इनके पीछे अपना पूरा सूचना संकलन करते हुए नाकाबंदी करी और मऊवर नदी के पास में आज इनको पकड़ा। पकड़ने के बाद में इनके पास से जो मात्रा मिली है वो 115 ग्राम है और बाजार मूल्य इसका 23 लाख रुपए है। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, अभी कुछ ही टाइम पहले करेरा की टीम ने 50 ग्राम स्मैक भी पकड़ी थी। तो TI साहब और उनकी टीम अब तक लगभग 165 ग्राम स्मैक पकड़ चुकी है। स्मैक के विरुद्ध ये कार्रवाई इस साल की सबसे बड़ी कार्रवाई है और इस कार्रवाई को देखते हुए IG सर ने इसमें 30,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा टीम को करी है। इसमें इनका